हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट सिक्योर में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इम्पैक्ट 101 में कैसे आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कोई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इम्पैक्ट 101 के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है और वह वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आपको ये प्लान समझ में नहीं आएगा पूरी चीज़। दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैंने सोचा पार्ट वाइज वीडियो बनाऊँ, जिससे आपको भी दोस्तों देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे भी समझाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मैंने दिया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तभी दोस्तों मैं आपको इम्पैक्ट 101 का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। दोस्तों, इम्पैक्ट 101 काफ़ी अच्छा प्लान है दोस्तों। ये दोस्तों 105 देशों में ये कंपनी चल रही है, लेकिन इंडिया में ये जस्ट लॉन्चिंग है। दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊँगा, जिसे अगर बताता हूँ दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देता हूँ। और दोस्तों, अगर आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएं तो मैंने वहाँ एक मैसेज लिखा है, उस मैसेज में बताया गया है कि कैसे आपको इसमें ज्वाइनिंग अमाउंट कितना लगता है और ज्वाइन करने के बाद आपको कितने लोगों से पेमेंट रिसीव होता है। तो दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा चीज़ देख सकते हैं। और इस रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया और आज अभी बता रहा हूँ। दोस्तों, आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन जाइए, उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में मैंने अच्छे से प्लान को बताया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो इम्पैक्ट 101 का दोस्तों यहाँ पे खुद वीडियो उपलब्ध है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इम्पैक्ट 101 का वीडियो कुछ देख लेंगे तो वहाँ में उस वीडियो में आपको बताया गया है कि कैसे दोस्तों ये प्लान काम करता है और इसमें आपको किस किस प्रकार के बेनिफिट होते हैं। और यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन पेज पे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक और लिंक मिलता है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो चलेगा, उस वीडियो में बताया जाएगा कैसे आप यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जब आते हैं तो आपको सबसे पहले यूजर नेम डालना होगा। दोस्तों, यूजर नेम आपको वही डालना है जो यूजर नेम उपलब्ध हो। दोस्तों, यहाँ पे जब दोस्तों मैंने यहाँ पे जैक डाला तो जैक जो यूजर नाम है यहाँ पे उपलब्ध है। और दोस्तों, जैक के अलावा मैं यहाँ पे वर्ल्ड डालता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड जो है यहाँ पे उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इस यूजर नेम का जो है इस्तेमाल किसी और ने कर लिया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे यूजर नेम डालना होगा और डालने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद फिर कन्फर्म पासवर्ड, और फिर क्या करना है आपको ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद फिर कन्फर्म ईमेल एड्रेस, और फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, और उसके बाद आपका एड्रेस जो भी है आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे टू तो ये ऑप्शनल है, आपको यहाँ पे नहीं डालना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि ये जो स्टार आपको दिख रहा है दोस्तों, ये जिस भी बॉक्स में होगा उससे आपको फिल करना यहाँ पे कंपलसरी है। दोस्तों, अगर आप जहाँ पे ये स्टार का यहाँ पे सिंबल दिया गया है अगर आप इसको फिल नहीं करते हैं तो ये जो प्रोसेस है आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, देख सकते हैं इसमें स्टार नहीं है, अगर हम इसे नहीं भरते हैं तभी दोस्तों ये जो है आगे का प्रोसेस चला जाएगा, लेकिन अगर हम मैं इसे नहीं भरता हूँ तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका सिटी डालना है, उसके बाद आपको जिप कोड डालना है, जिप कोड दोस्तों आपके एरिया का पिन कोड होता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका जो भी स्टेट है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है आपकी कंपनी में आप जो है स्टूडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर और अदर। दोस्तों, आपको जो भी है यहाँ पे डालना होगा। सिंपल दोस्तों, आप स्टूडेंट डाल सकते हैं, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्पॉन्सर आईडी डालना होगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप स्पॉन्सर आईडी इस्तेमाल नहीं करते तो आप यहाँ पे जो है अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो सिस्टम है दोस्तों वो स्पॉन्सर के जरिए काम करता है। अगर आप किसी के स्पॉन्सर का इस्तेमाल करके इस प्लान में एंट्री लेते हैं तब भी जो है आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक स्पॉन्सर लिया अपने दोस्त का, तो मैंने उसका स्पॉन्सर यहाँ पे डाल दिया। और डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर डालना होगा, और दोस्तों आपको यहाँ पे एक कैप्चा दिख रहा होगा दोस्तों, उस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। दोस्तों, ये वाला जो कैप्चा है दोस्तों उसे आपको इसमें डालना होगा, इस वाले कैप्चा को दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है। और डालने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिख रहा है उस ऑप्शन को आपको चेक मार्क करना है। दोस्तों, अगर आप इसे चेक मार्क नहीं करेंगे तो ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है आपको यहाँ पे शो नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ों को यहाँ पे चेक मार्क किया, चेक मार्क करने के बाद जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आ गया। दोस्तों, अगर आप इसे पढ़कर समझना चाहते हैं तब आप इसे पढ़ लें, उसके बाद आप चेक मार्क
या फिर रजिस्ट्रेशन करें। तो दोस्तों मैंने सारी चीज़ें हैं मैंने अपने हिसाब से समझ लिया है और मैंने चेक मार्क कर दिया, उसके बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड योर अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल पासपोर्ट नहीं इस्तेमाल करना, आपको यहाँ पे जो है अल्फाबेट इस्तेमाल करना है, नहीं तो नंबर्स इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपको यहाँ पे टू टाइप के जो है पासपोर्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, तब आपका अकाउंट क्रिएट होगा। और दोस्तों मिनिमम जो पासपोर्ट है आप यहाँ पे 8 रख सकते हैं, और मैक्सिमम का दोस्तों यहाँ पे बताया नहीं गया है। तो अगर 8 से अगर आप कम पासपोर्ट रखते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाएगा। और दोस्तों ये सब करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे तो आपके सामने यहाँ पे सक्सेस का एक आएगा यहाँ पे पॉपअप। दोस्तों सक्सेस में दोस्तों आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप अपने ईमेल में जाइए, और ईमेल में इन्होंने शायद एक लिंक भेजा है, उस लिंक पे मुझे क्लिक करना होगा तभी जो है मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो पाएगा। तो दोस्तों मैं अपना जो है मैसेज बॉक्स खोलता हूँ, और मैसेज बॉक्स में इसके द्वारा दिए गए लिंक पे मैं क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाइड करता हूँ। अब दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने ईमेल बॉक्स में, और यहाँ पे फर्स्ट में ही मैसेज मुझे मिल रहा है कि इम्पैक्ट 101 करके दोस्तों मुझे एक मैसेज मिल रहा है। और इस मैसेज में देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है मेरा नाम और उसके बाद वेलकम करके यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे मेरा जो है यूज़र नेम और मेरा पासवर्ड शो कर रहा है। तो दोस्तों इस पासवर्ड को मैं चेंज कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे क्लिक करके अपने अकाउंट को वेरीफाइड करना है। दोस्तों इसी प्रकार का जो है लिंक आपके भी जो है जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके ईमेल भेजा जाएगा, और उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपने अकाउंट को वेरीफाइड करना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों जो मुझे इम्पैक्ट 101 की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ था, जब मैंने उस मैसेज के लिंक पे क्लिक किया तो मेरे सामने जो है इम्पैक्ट 101 का जो साइट था ओपन हो गया। इसका मतलब कि मेरा अकाउंट जो है वेरीफाइड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या करना है कि अपना जो आईडी और पासवर्ड है उसे डालकर लॉगिन होना है। तो दोस्तों यहाँ पे लॉगिन अकाउंट लॉगिन पे आप जो मेरा आईडी है उसे डालना है, उसके बाद चॉइस से पासवर्ड पर जो मेरा पासवर्ड है उसे डालना है, और डालने के बाद क्या करना है कि लॉगिन नाउ पे क्लिक करना है। दोस्तों जब मैंने लॉगिन नाउ पे क्लिक किया तो जो है इम्पैक्ट 100 में लॉगिन हो गया, और लॉगिन होने के बाद दोस्तों उसके अंदर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, और दोस्तों मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबा हो। दोस्तों आने वाले वीडियो में दूसरे वीडियो में बताऊँगा कैसे जो है आप यहाँ पे अपने अकाउंट को एक्टिव जो है कर सकते हैं, और आगे का जो भी प्रोसेस है क्या है। और तभी दोस्तों अगर आपको इसमें और अधिक कुछ जानने की ज़रूरत होगी तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो मिलता है, और जब आप इस वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपको बताया जाएगा कैसे आपको आगे का प्रोसेस करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो इतना ही दोस्तों। लेकिन दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्लान में जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और एक वीडियो भी दिया है जिस वीडियो को देखकर आप इस प्लान को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।